महाराष्ट्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम 80% तक पूरा हो चुका है। ऐसे में इसके फेज वन की शुरुआत जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। 2023 के अंत का वक्त बताया गया था, लेकिन काम थोड़ा बचा है, इसलिए 2024 की बात बताई जा रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जहां से गिरगांव से लेकर प्रियदर्शनी तक टनल जो है वो बनाया गया है। टनल दो हिस्सों में बनाया गया है और इसका काम जो है वो लगातार जारी है। अगर आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट का जो काम है वो तकरीबन 80% तक पूरा हो गया है, और फेज वन की बात करें तो फेज वन का काम लगभग पूरा होने आया है। 13,000 करोड़ की लागत में पूरा कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट है। अब तक तकरीबन 9,000 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है। कोस्टल रोड के फेज वन की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा वर्ली सीलिंग तक जाता है। गिरगांव चौपाटी से लेकर यहाँ ये प्रियदर्शनी यानी कि मलाबार स्थित जो ये टनल आता है उसके हिस्से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो टनल है वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक का है, और ऐसे में ये देश का पहला समुद्री सबसे लंबा टनल बनाया गया है, जिसकी शुरुआत मुंबई में की गई है। और तकरीबन 80% काम पूरा होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 2024 के शुरुआती महीनों में जब फेज़ वन का काम पूरा हो जाएगा तो इसकी शुरुआत की जाएगी। ये पूरा जो कोस्टल रोड आप देख रहे हैं, ये 4 लेन अप एंड 4 लेन डाउन है, और ये वही रास्ता है जो टनल के अंदर 3 लेन का होगा। अगर आप देखें तो रास्ते पर चार लेन में से एक जो लेन है वो BRTS और एम्बुलेंस के लिए रखी गई है। खास बात यह है कि 4 किलोमीटर आने का रास्ता, 4 किलोमीटर की सुरंग है जिसमें से 2 किलोमीटर समुद्र और पहाड़ के नीचे, और 2 किलोमीटर रैम्प टनल है जो गिरगांव चौपाटी से प्रियदर्शनी पार्क तक आता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ पर पूरे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो पर डे यहां से पास होने की बात बताई जा रही है। और जो आसपास का एरिया है वो पार्किंग के साथ साथ जो गार्डन का एरिया है, जॉगिंग का एरिया है, उसको बकायदा प्लानिंग के साथ किया गया है। BMC की टीमें लगातार जो है अपडेट ले रही हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट है। ये टनल की तस्वीर दिखाई, टनल के सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ जहाँ पर फिलहाल हम खड़े हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पहले समुद्र की जगह हुआ करती थी। यहाँ पे समुद्र का पानी था, लेकिन उसको पूरी तरह से बनाकर कंस्ट्रक्ट कर इस तरह की सड़क बनाई गई है जो टनल से सीधे बाहर की तरफ आती है। और सामने जो एक फ्लायर आप देख पा रहे हैं वो टनल क्रॉस करने के बाद फ्लायर है, जिस पर चढ़कर आप अपनी गाड़ी लेकर सीधे बांद्रा तक जा सकते हैं, जो कि फेज वन है। यानी कि मरीन ड्राइव से लेकर जो बांद्रा का रास्ता है वो फेज वन का है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और इसकी शुरुआत बहुत जल्द की जा सकती है। दूसरे फेज़ की बात करें जो बांद्रा से लेकर सीधे कांदिवली तक जाता है, उसका काम जो है वो पहले चरण में उसका काम लगातार चल रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर आएंगे, वो जो टनल बन चुका है कोस्टल रोड का उसका जायज़ा लेंगे। और टनल की एक बार मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाऊँ, ये 2 वे बनाए गए हैं, एक टनल के आने के लिए, एक जाने के लिए। और टनल की खास बात यह है कि समुद्री किनारे का पहला बना हुआ टनल है, साथ ही भविष्य के लिए बहुत सारे इसके फायदे होने वाले हैं, क्योंकि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में कुछ हिस्से छोड़े गए हैं, जब अगर ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है तो रोड को और ज़्यादा वाइड किया जा सके। तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मुंबई के लिए खास तौर पर, क्योंकि कोस्टल रोड के साथ साथ MTHL प्रोजेक्ट भी जो है वो सबसे लंबा समुद्री पुल बताया गया है। तो लगातार मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ज़्यादा फोकस नजर आ रही है, और खुद महाराष्ट्र की सरकार इन तमाम जगहों पर जाकर जायजा ले रही है। कोस्टल रोड के तैयार हो चुके टनल के अंदर मौजूद हैं, 2 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी लंबाई है। टनल के अंदर का काम अगर देख पाएँ तो लाइटिंग्स बकायदा तैयार कर दी गई हैं। ये जो पूरा टनल है वो 4 लेन तक का बनाया गया है। एक स्पेसिफिक जो लेन है वो एम्बुलेंस और तमाम इमरजेंसी सुविधाओं के लिए है। कर्मियों को आप देख सकते हैं जो टनल के काम के लिए यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में इसका काम जो है वो पूरा हो चुका है। कोस्टल रोड का महत्वपूर्ण वो ये हिस्सा है, और ये पहला ऐसा टनल है जो समुद्री किनारे पर बनाया गया है, समुद्र को कैप्चर करके बनाया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज टनल के अंदर जाकर इसका पूरे काम का ब्यौरा कर रहे हैं। और ये जो टनल का स्टार्टिंग पॉइंट है प्रियदर्शनी का, यहाँ हम मौजूद हैं। ये इसकी जो इसका एक एंड पार्ट है, स्टार्ट पार्ट का है, वो मरीन ड्राइव की तरफ जाता है। तो ऐसे में इसकी लंबाई अगर काम को आप समझें
तो ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। लगातार जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनकी तरफ से काम का ब्यौरा लिया जा रहा है। 14,000 करोड़ के करीब की लागत है, पूरे 29 किलोमीटर का ये कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट है। और बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल हों, तमाम चीफ ऑफिसर्स हों, उनके साथ जो है डेटा लिया जा रहा है कि आखिर कब तक इस प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा सकती है, प्रोजेक्ट के लिए कितना और लंबा वक्त लगेगा, क्या कोई स्पेसिफिक डेट है, किसी और एक्सपांड की ज़रूरत है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर खुद सीएम यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी तरफ से इस टनल के काम की जो है की जा रही है। तमाम बीएमसी के कर्मियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि जापानीज कंपनी के सहयोग से इस काम को पूरा किया गया है, और ऐसे में 1,000 करोड़ की लागत लगाकर इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू किया जाएगा। ये तस्वीरें कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के इस टनल की, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर आप देखें तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हिस्सा किस तरह का है। तो अगर आपको बताएं तो जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन के साथ साथ जो तमाम तकनीकी चीज़ें होती हैं उसके लिए बनाया गया। एक बार मैं आपको फिर समझाऊं, वेंटिलेशन से लेकर तो जो तमाम चीज़ें होती हैं, बरसात के दौरान अगर किस तरह की कोई दिक्कत होती है, क्योंकि टनल की लंबाई 2 किलोमीटर के करीब है, तो बीच में किसी तरह के काम को शुरू करने, क्योंकि अगर आप समझें तो ये नीचे का हिस्सा है, और बाकायदा मैप के जरिए भी अगर आपको समझाएं तो किस तरह ये पूरा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट काम करता है, इसका फेज वन जो लगभग तैयार हो चुका है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है। ये 31 जनवरी तक ये जो मरीन ड्राइव से वरली सीपीएस तक का जो फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफा मुंबई में जाने वाला 11 किलोमीटर, इससे लोगों को बहुत रात भी, इधर शाम को अपन देखते हैं पिक आवर, सुबह और शाम बहुत ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक में लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया टनल है, सकार्डो सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है। इसके वजह से समझो कभी आगजनी हुई, जहाँ पर धुआं हो गया तो उसको उसका सक्शन करके उसको बाहर फेंकने का ये सिस्टम है लोगों को, ताकि तकलीफ ना हो, ऐसी सिस्टम है। और ये टनल जो है ये देश में सबसे बड़ा टनल है इसकी साइज जो है, और ये 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत लोकार्पित किया जाएगा, और ये मुंबई वासियों के लिए बहुत आराम है। इसमें टोल वाल नहीं है, फेज वन शुरू, फेज टू जो है मई तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद तो आगे का काम चालू है, वो भी काम आगे चलता रहेगा वर्षों बाद तक। और ये मुंबई से पूरा ये जो कोस्टल रोड है ये कंप्लीट होने के बाद ये मुंबई की ट्रैफिक जो है पूरी तरह स्मूथ हो जाएगी।